देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी पेपर में वो है कि आपका सिलेबस। तो आपको सिलेबस अपना उसका वर्ड बाय वर्ड आपको बाय हार्ट होना चाहिए, कि मैं मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि दूसरे पेज के पहली लाइन में क्या लिखा है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो हमेशा जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं अपने स्टडी टेबल पे, अपने टेबल पे हमेशा अपना सिलेबस रखिए, वो आपके एक रिलीजियस स्क्रिप्चर की तरह है, ग्रंथ की तरह है, उसको पढ़िएगा। दूसरा जो मैंने बताया था वो था मेरा रूल ऑफ 10। तो हमेशा 1/10 आप डिक्रीज करते जाइएगा। जैसे कि अगर आपने 500 पेज की कोई पन्नों की कोई बुक पढ़ी है, तो आप उसको 50, फिर सब्सिक्वेंट रिविजन में उसको 5, फिर उसको आधे पेज का। तो इससे क्या होगा कि जो दिमाग, वो हम ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड आउट होते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी, हमारा इतना दिमाग नहीं चल पाता, हम पूरे स्ट्रेस में होते हैं, जिसके कारण जब आप 500 पेज की किताब देखेंगे ना, तब आपका दिमाग एक विशियस साइकिल में घूमना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस बढ़ेगा, जिसके कारण टाइम वेस्ट होगा, जब टाइम वेस्ट होगा तब आपको और स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इस विशियस साइकिल से बाहर निकलने के लिए ये तो आपका ये रूल ऑफ 10 आपको बहुत काम में आएगा। तो 500 पेज से आप बस उसका समराइज करके 50 पेज का बना दीजिए। 50 पेज बनाना बहुत आसान है, पर उस 50 को इवेंचुअली आधे पेज तक लेकर जाने के लिए आप उसके सिर्फ कीवर्ड्स लिखिए, कोई जजमेंट है उसका नाम लिखिए, कोई अमेंडमेंट है उसको लिखिए, कोई कमिटी बनी है उसको लिखिए, और साथ में ही एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए जिसमें सारे कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज, या फिर अगर किसी और चीज का है तो उसका एक टाइमलाइन बना दीजिए, नहीं तो कि अलग अलग देशों में उसके ऊपर क्या है टिप्पणियां, उसके एक बना के एक कच्चा सा मैप बनाकर, वर्ल्ड का फिजिकल मैप बनाकर उसके ऊपर आप शो कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जितना कम लिखे उतना ज्यादा बेटर है अपने दिमाग में डालने के लिए एक रात पहले एग्जाम से। तो इसी के साथ हमने ये भी चर्चा की थी आज की वीडियो में, कि अगर आपका जो हर एक टॉपिक है आपका सिलेबस का, या हर एक वर्ड है जो सिलेबस का, उसके ऊपर एक A4 साइज शीट लीजिएगा, और उसके ऊपर उतना ही पेज का आपने नोट्स बनाने हैं। ऐसे नहीं कि आपने पोथियों की पोथियां भर दी हैं नोट्स की, वो गलत होता है, क्योंकि वो आपको एक्चुअली टाइम वेस्ट हो रहा है और आप उसको कभी भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। पेज काले पीले करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो उस आधे वो इवेंचुअली एक आधे पेज में फिट हो जाना चाहिए। उसके बाद ये होगी हमारी माइंड मैप्स की भी बात इसमें आ गई, कि आप मल्टी डिमेंशनैलिटी कैसे ला सकते हैं। उसके बाद आता है आपका हैंड आई जो कोऑर्डिनेशन होता है, और जो मसल मेमोरी की जो हमने बात की, इसमें मैंने जैसे बताया था एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे, कि पेपर में क्या होता था यूपीएससी के पेपर में, जैसे 20 क्वेश्चन है तो आपने 20 के 20 करने हैं, तो इसके लिए इवेंचुअली आपका दिमाग इतना वो हो जाना चाहिए, ट्रेंड या प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, कि जब आप पिछले सवाल का आप उसका कंक्लूजन लिख रहे हैं, तब आपके अगले सवाल पे आपकी निगाहें होनी चाहिए, आपका दिमाग अगले सवाल के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आप जितना लिख सकते हैं आप उतना लिखिए। मतलब मेरी तो आदत ऐसी थी कि जब मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी, अभी भी मेरी आदत ऐसी है कि हमेशा पेन पकड़ के न्यूज़पेपर पे लिखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने चीज अंडरलाइन कर ली या उसको लिख लिया दोबारा न्यूज़पेपर पे, तो वो हमेशा मेरे दिमाग में रिटेन्ड रहेगी। वाई? बिकॉज मैंने अपनी जो मसल मेमोरी है, जो अपने हाथ की, उसको इतना स्ट्रांग किया हुआ है, देन दिस कम्स ओवर दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करने से, लिखने से। लिखने से ही याद आया कि ये हमारा स्वॉट एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपका स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस होता है। इसमें बेसिकली 3 चीजें आती है, एक आपका हो गया कंटेंट कि आपने उसके अंदर लिखा क्या है, दूसरा हो गया प्रेजेंटेशन आपने उसको लिखा कैसे है, और तीसरा हो गया स्पीड आपने उसको कितना वक्त लगा के लिखा है। तो इन तीनों चीजों में, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूं तो मेरी जो स्पीड है वो नेचुरली बहुत अच्छी डेवलप हुई हुई है। इसके साथ ही मैंने रियलाइज किया अपने मॉक पेपर्स लिख के कि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी ठीक ठाक हैं और ओवर द कोर्स बढ़िया ही होंगी। तो इसके लिए मैंने सिर्फ अपना कंटेंट पे फोकस किया। तो कई लोगों की कंटेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन्हें काफी बढ़िया पढ़ा होता है, पर वो स्पीड नहीं उनकी पकड़ पाती, इसलिए वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं और उनसे भी कम अंक लाते हैं जिनको बहुत ही स्केलेटल उन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, पर वो लिख के सब आते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड अच्छी है। अगर 20 क्वेश्चन है उसमें से 15 क्वेश्चन आपने अबव एवरेज भी लिख दिए, एक्सीलेंट लिख दिए, तो वो 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, तो आपका कोई भी रैंक नहीं आएगा। तो बेटर ये है कि 20 क्वेश्चन अगर आप एवरेज या अबव एवरेज लिखते हैं, उससे आपका बेटर रैंक या बेटर अंक आ सकते हैं। इसके साथ ही जब भी आप ऐसे पेपर लिखें तो उसको आप रियल टाइम कंडीशन बना के लिखें, ताकि आपके जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो आपके दूर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल मेरा तो इतना भी रहता था कि 3 घंटे के पेपर में, क्योंकि होता क्या है कि जब आपका एक एक
आधे आधे नंबर पे, आधा तो बहुत दूर की बात है, जब आपके छोटे छोटे डेसिमल पॉइंट पे भी आपके इतने मल्टीपल रैंक्स हैं, तब यू हैव टू गिव इट योर फुल। तो मेरा था कि अगर मैंने 3 घंटे का पेपर लिखना है अपना सब्जेक्टिव टाइप का, तो मैं अपनी मॉक के दौरान मैं पानी नहीं पीती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं रियल टाइम कंडीशन में पानी पीऊंगी तो उसमें 1 मिनट वेस्ट हो रहा है, और हर एक क्वेश्चन मेरा 7.5 मिनट में मैंने अपना रखा हुआ था। तो आई इवन यूज टू नॉट ड्रिंक वाटर, इसी के चलते हुए। इसी के साथ जैसे हमारा कोरोना काल वो वापस आ रहा है, हमें मास्किंग प्रोटोकॉल दोबारा आ सकते हैं, तो जिन लोगों की अभी लाइंड अप है आगे एंट्रेंस एग्जाम या कंपेटेटिव एग्जाम्स, तो उनको मैं यही अपना कहूंगी कि अपना मास्क पहन के एग्जाम दो, ताकि ये जो हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं दे मे और मे नॉट इम्पैक्ट, पर हमें मेंटली लगता है कि हाँ मुझे ऐसे सांस नहीं आ रही थी या कुछ ऐसा, ठीक है, तो वो सारे हमें अपने नलिफाई करने पड़ेंगे। एंड आखिर में मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप अपनी बेस्ट टीचर हैं, तो किसी और से फीडबैक लेने की बजाय आप अपने आप को खुद फीडबैक दीजिए। ऐसा है कि ऑडियो हम लोग सुनते रहते हैं, पर उसकी बजाय आप अपनी खुद की ऑडियो रिकॉर्ड कर लो अपने फोन में, कोई अपने आप को टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए फ्रॉम योर नोट्स और फ्रॉम सम अदर बुक, एंड उसी को दोबारा सुनोगे। ब्रेन हमारे अपने कहे हुए वर्ड्स ज्यादा पकड़ता है रादर देन किसी और के कहे हुए शब्दों के। तो ये आप ऑडियो सुन सकते हो तैयार होते हुए या कहीं जाते हुए, तो ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा।